हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेंसो मैन के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 7। तो जिस किसी ने भी पुराने एपिसोड और सीजन चेक नहीं किए वो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जाकर उन्हें चेकआउट कर सकता है। और अब तक तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का अमेजिंग कंटेंट आपसे मिस ना हो और मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि पिछली सारी वीडियोस पर आप सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया है, तो थैंक यू एवरीवन। डेंजी ने पहले माकिमा का खून पिया था और इसी रीज़न की वजह से वो अभी तक डेंजी की बॉडी के अंदर ज़िंदा है, लेकिन चेंसो डेविल के मरने के साथ ही उसका भी अस्तित्व खत्म हो सकता है। वो चीटा पावर से कहने लगता है कि तुम अपनी ताकत एक दूसरे डेविल को खाने के साथ बढ़ा सकती हो, इसीलिए तुम मुझे खा लो ताकि तुम अपनी प्राइम स्टेट के अंदर पहुंच जाओगी, लेकिन क्या इसके बदले में तुम डेंजी को बचाओगी। और पावर कहने लगती कि वो ऐसा बिल्कुल करेगी, आखिर डेंजी उसका बड़ी जो ठहरा। इस सभी के बाद हम फिर से डेंजी को देखते हैं जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था और माकिमा अपने हथियारों के साथ उसकी तरफ बढ़ रही थी। माकिमा अब चेंसो डेविल के काफी ज्यादा नजदीक आने लगती है और वो देखती कि वो अभी तक हिल रहा है, और ये देखकर वो हैरान थी। डेंजी अब खड़ा होने लगता है और माकिमा ये सब कुछ देखकर हैरान परेशान थी। डेंजी के मुंह के अंदर से पावर निकलती है जो कि अपने प्राइम ब्लड डीमन वाले स्टेट में थी। वो काफी जोरों से चीख रही थी और आने के साथ ही वो सभी पर हमला कर देती है अपनी डेविल फॉर्म के साथ। अब पावर हंसने लगती है और बताती है कि उससे ज्यादा पावरफुल यहाँ पर कोई नहीं है। सिचुएशन को कंट्रोल में लेते हुए माकिमा यहाँ पर 100 ईयर्स की स्वॉर्ड बनाती है, लेकिन पावर माकिमा को इस बार कोई चांस नहीं देती और उसकी बॉडी के आर पार 100 तलवारें कर देती है। पावर माकिमा को यहाँ पर कचरा बताने लगती है और वो कहती है कि उससे पावरफुल यहाँ पर कोई नहीं है, और हंसते हुए कहने लगती है कि वही प्रेसिडेंट है, आखिर उसे लंबे समय से प्रेसिडेंट जो बनना था। माकिमा जॉम्बीज को बुला लेती और ये वही जॉम्बी थे जिन्हें हमने सीजन 1 में देखा था। जॉम्बी डेविल की ताकत के साथ माकिमा यहाँ पर सभी मुर्दों को खड़ा कर देती है और सारे मुर्दे पावर पर अटैक कर देते हैं। फिर माकिमा अपनी एबिलिटी की मदद से पावर का हाथ तोड़ देती है, और अब पावर मुसीबत में थी। माकिमा पावर से कहने लगती कि उसके मरने के बाद भी उसे जिंदा नहीं होना चाहिए था। माकिमा उससे जवाब मांगने लगती है, लेकिन तभी पावर जाकर डेंजी को गले लगा लेती है और कहने लगती कि डेंजी सिर्फ उसका है, लेकिन माकिमा फिर से उस पर अटैक करने लगती है, और इस बार पावर अपने घुटनों के बल आ चुकी थी। माकिमा उससे कहने लगती है कि अगर वो चेंसो मैन को उसके हवाले कर देगी तो वो पावर को नहीं मारेगी और फिर से पावर को अपना वफादार बना लेगी। ये सुनने के साथ ही पावर डेंजी को उसके हवाले करने लगती है। पावर कहती है कि उसने इस बेवकूफ को माकिमा के लिए ही पकड़ा था। ये सुनने के साथ ही माकिमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अंदर ही अंदर पोचीटा सोच रहा था कि ये तो धोखेबाज निकली, लेकिन इतना कहने के बाद पावर कहने लगती है कि जीत तो सिर्फ मेरी ही होगी। फिर माकिमा पावर को ऑर्डर देती है कि वो चेंसो मैन को जमीन पर रख दे, लेकिन पावर उसे नीचे नहीं रखती और फिर वो एक सोच में पड़ जाती है, जहाँ पावर डेंजी के साथ बिताए हुए वो सारे पल याद करने लगती है, लेकिन उसे अपनी दोस्ती की याद आने लगती है। फिर वो माकिमा पर अटैक कर देती है और फिर वो जोरों से चीखने लगती है और अपने आप से पूछती है कि आखिर क्यों उसने माकिमा का कहना नहीं माना। ये चीज जानने के बाद भी कि माकिमा से वो नहीं जीत सकती, तभी सारे डेविल्स यहाँ पर पावर पर अटैक कर देते हैं और फिर उसके ऊपर जॉम्बीज भी आकर गिरने लगते हैं, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत से उन सभी से लड़ती जा रही थी। फिर भागते हुए उसे अपना पास्ट याद आता है और वो अपने आप को मोटिवेट करते हुए कहने लगती है कि सारी जिंदगियों की कीमत एक है, यहाँ तक उसकी खुद की भी, और वो कहने लगती है कि अगर वो मर भी गई तो उसे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी भी हालत में डेंजी को मरने नहीं देगी। और डेंजी को बचाते बचाते यहाँ पर पावर की आधी बॉडी खत्म हो चुकी थी और वो कहने लगती है कि डेंजी नहीं मर सकता क्योंकि वो उसका सबसे पहला दोस्त है। फिर एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेंजी और पावर एक दूसरे के करीब थे और ये दोनों ही एक दूसरे का नाम पुकारते हैं। पावर डेंजी को गले लगाने के साथ ही कहने लगती है कि उसे जीना होगा और वो उसे बचा लेगी, लेकिन डेंजी कहने लगता है कि उसकी जीने की इच्छा अब खत्म हो चुकी है। डेंजी बताता है उसने सब कुछ कर लिया, उसने लड़की के साथ फ्लर्ट करा, उसने अच्छा खाना खाया, वीडियो गेम्स खेले और लड़की के साथ सब कुछ कर लिया। अब डेंजी बताते कि जब वो कर्ज में डूबा हुआ था तो ये सब कुछ करना उसके लिए सिर्फ एक सपना था,
लेकिन ये सब कुछ सच हो चुका है। और वैसे भी वो जिंदा रहकर क्या करेगा, अब तो पावर भी उसके साथ नहीं होगी। लेकिन पावर उसे टोकते हुए बेवकूफ़ कहने लगती और बताती कि अभी तक बहुत कुछ है जो उसने नहीं किया। और पावर कहने लगती कि जैसे ही डेविल्स मर जाते हैं तो वो नर्क में फिर से जन्म लेते हैं, और शायद इसी वजह से अब पावर भी यहाँ पर नहीं होगी। और अगली बार जब ये लोग मिले तो हो सकता है कि दुश्मनों के रूप में मिले। पावर डेंजी से कहती है कि उसे ब्लड डेविल को ढूंढना होगा और उससे मिलकर उसके साथ दोस्ती करनी होगी, और अगर ये सब कुछ वो कर लेगा तो उसे ढूंढकर वो पावर बना सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो पावर फिर से उसकी बड़ी बन जाएगी। और वो बताती है कि ये उसका कॉन्ट्रैक्ट है डेंजी के साथ, उसे ये निभाना ही होगा। आखिर बदले में उसने उसे अपना खून दिया है, और उसे पावर को किसी भी कीमत पर ढूंढना ही होगा। पावर गायब हो जाती है और डेंजी कचरे के डब्बे से चिल्लाते हुए उठता है, और पावर का ख्याल करते ही डेंजी की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि डेंजी के बगल में किशी भी बैठा हुआ था। किशी भी डेंजी से पूछता आखिर वो डेंजी है या फिर चेंसो मॉन्स्टर, और अगर वो डेंजी है तो वो उसे माकिमा से आज़ाद करवा सकता है, लेकिन अगर वो एक मॉन्स्टर है तो उसे कूड़े में ही रहना होगा। और डेंजी यहाँ पर किसी भी को दो उंगलियाँ दिखाने लगता है, इसका मतलब कि वो सही है। और इसी सब के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है, और आखिर में हम पावर और आकी को देख सकते हैं जिनकी आत्माएं डेंजी को छोड़कर जा रही थी। आकी की आत्मा तो पक्का हेवन के अंदर ही जाएगी। और इसी सब के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि डेंजी की फाइनली फाइट माकिमा से हो जाएगी, और वो माकिमा को कुछ अलग ही अंदाज में मारने वाला है, जो कि कुछ व्यूअर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डार्क हो सकता है। और जब मापा इसका एनिमेशन करेगा तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक होगा, तो पक्की बात है कि उल्टी मत करना। और एक बार फिर से मैं आप सभी को शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारी YouTube फैमिली अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखना और अपने किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। और अगली वीडियो चैनल पर जल्द ही अवेलेबल हो जाएगी, तो अगर आप नए हो तो मेक श्योर करना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।